तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे एक रील का प्रीव्यू देख रहे हो, उसमें आप देख सकते हो कि एक मूडी कलर का प्रीसेट है जो लेफ्ट से राइट साइड में इस तरीके से स्लाइड होते हुए आपको यहाँ पर कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है उसे वीडियो में अगर आपको अप्लाई करके एक रील बनाना होगा, एक वीडियो बनाना होगा, तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो इफेक्ट है, इसे अगर आपको आप कोई भी वीडियो में अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर अभी मूव हो रहा है ये वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो एक वीडियो और फोटो का ऑप्शन है, तो वीडियो के ऑप्शन पे चले जाना है। ऊपर एक ऑल का ऑप्शन है, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने अपना वीडियो जो रखा होगा उस वीडियो को यहाँ पर उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना है और वीडियो को इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो आ चुका है। इसके बाद आपको करना है कि वीडियो के एंड में जाना है, यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का फोटो दिखेगा, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आपको देखना है, जितना वीडियो आपको रखना है उतना उस पॉइंट तक लेके जाना है इस व्हाइट वर्टिकल लाइन को। और इसके आगे का वीडियो अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो इस पॉइंट पर आके नीचे एक स्प्लिट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है और राइट हैंड साइड का जो बचा हुआ हिस्सा है इसे सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पर डिलीट कर देना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पे आना है, स्क्रीन के ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा राइट साइड में स्वाइप करके आपको एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो वीडियो का बार नीचे दिख रहा है इसे सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका वॉल्यूम जो है इसे आपको 0 करके नीचे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो वीडियो है इस वीडियो के बार को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर ये वीडियो के दो हिस्से हो जाएंगे। अभी ये जो सेकेंड हिस्सा आ जाएगा वीडियो का, मतलब जो कॉपी रहेगा, इसे सिलेक्ट करना है और नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से लास्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये जो लेयर आपने यहाँ पर जो डुप्लीकेट आपने किया था, ये एज अ लेयर यहाँ पर ऊपर ब्लू कलर के बार में आ जाएगा। अभी आपको करना है कि इस ब्लू कलर के बार को होल्ड करना है, थोड़ा सा नीचे के साइड पर इस तरीके से टिल्ट करना है और इसे जहाँ तक आपका वीडियो है, मतलब जो ओरिजिनल आपका वीडियो रहेगा उसके पॉइंट पे, मतलब वो जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर इसे लेकर आना है। इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्क्रीन रहेगा, लास्ट में इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद ये ब्लू कलर के बार को सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो ओवरले एज ऐड हो चुका है, ये छोटा सा है, तो इसे आपको फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरीके से, प्रॉपर फुल स्क्रीन इसे आपको कर लेना है। इसे फुल स्क्रीन करने के बाद इस ब्लू कलर के लेयर को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाके आपको बहुत सारे कलर के फिल्टर मिल जाएगा, तो इसमें से जो भी फिल्टर आपको यहाँ पर अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो एक्स्ट्रा फिल्टर यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रीन और मूडी ग्रीन करके एक इफेक्ट है। तो इस तरीके के इफेक्ट आपको एक्सटर्नल इसमें अप्लाई ऐड करने पड़ते हैं। तो अगर आपको भी जानना होगा कि इस तरीके से इफेक्ट कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट मूडी जो आप उसे प्रीसेट बोलते हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए होगा तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बताए ना कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर बाकी के आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा, तो इसमें से आप कोई भी एक इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला एक इफेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा जिस तरीके से, तो इसका इंटेंसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो ब्लू बार है इसे आपको सिलेक्ट करके रखना है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मास्क का, मास्क के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर एक फर्स्ट आपको ऑप्शन दिखेगा लीनियर, तो लीनियर के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो इसे आपको मूव करके कुछ इस तरीके से वर्टिकल करके ले लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो व्हाइट वर्टिकल लाइन है, इसके राइट साइड में आपका जो इफेक्ट अप्लाई किया वो वाला वीडियो दिख रहा है और लेफ्ट साइड में आपका जो ओरिजिनल क्वालिटी वाला वीडियो है वो दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जब भी इस तरीके का वीडियो बनाना होगा तभी ये जो इफेक्ट वाला जो वीडियो है वो आपके स्क्रीन के मतलब वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए और जो ओरिजिनल वीडियो है वो राइट साइड पे आना चाहिए। तो इसे आप चेंज कैसे कर सकते हो, तो नीचे जो लीनियर का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर फिर से एक बार टैप करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इफेक्ट वाला पोर्शन था वो लेफ्ट साइड में आ चुका है, जो ओरिजिनल पोर्शन है वो राइट साइड में आ चुका है। इतना हो जाने के बाद
ये जो आपको वर्टिकल लाइन जो सेंटर में दिख रही है, इसे आपको पूरा लेफ्ट साइड में इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है, पूरा वीडियो के बाहर तक आ जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक ई फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब वो क्री फ्रेम प्लस यहाँ पर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा वीडियो को इस तरीके से आगे के साइड पर इस तरीके से आपको मूव करना है। इतना मूव करने के बाद फिर से आपको की फ्रेम का ऑप्शन वहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इसे आपको पूरा राइट साइड में इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो गया रहेगा। तो इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर एक टैप टू ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये जो ट्रेंड है इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना और इस तरीके का ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ऑडियो जो है वो आ चुका है। तो ऑडियो के बाद जहाँ पर एंड होता है उस पॉइंट पर इस तरीके से आपको इस वर्टिकल लाइन को लेकर जाना है। इसके बाद सबसे पहले जो ब्लू कलर का बार है इसे सिलेक्ट करना है और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो ओरिजिनल बार वीडियो का बार है उसे सिलेक्ट करना है और स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी इन दोनों राइट हैंड साइड के बचे हुए हिस्से को इस तरीके से आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। इसके बाद इस वीडियो को अगर आप प्ले कर देंगे तो यहाँ पर आपका एक परफेक्ट जो रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जो कलर ग्रेडिंग वाला रील है इसे आप बना सकते हो। इसके बाद इस वीडियो को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपने बना हुआ जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने बनाए हुआ जो वीडियो है ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।